ऑलरेडी अफोर्डेबल रेट पे हम प्लॉट दे रहे हैं और ढाई साल का ईएमआई ऑप्शन पे इंटरेस्ट फ्री दे रहे हैं। ओके, इंटरेस्ट फ्री कोई भी नहीं देता मैम। और पक्की रजिस्ट्री के साथ? पक्की रजिस्ट्री, पक्का मोटेशन और 30% बुकिंग पे ही हम आपको कब्जा दे रहे हैं। और हमारी जो प्रॉपर्टी का जो लोकेशन है मैम वो वर्ल्ड क्लास है, एकदम चरस लोकेशन है। यहाँ पे 6 लेन हाईवे के ऊपर आपकी प्रॉपर्टी है। आप जो भी प्लॉट खरीदने जा रहे हैं वो 6 लेन हाईवे के ऊपर है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये इंडियंस के लिए ही मतलब रहेगा या एनआरआई भाई भी जो है इसका फायदा उठा सकते हैं? ये जितने भी हमारे इंडियन बायर्स इन्वेस्टर हैं, चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने में हैं, वो सारे लोग हमारी प्रॉपर्टी को ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, की बात कर लेते हैं, कितने समय के बाद जो है हमें यहाँ पर बिजली, घर, सब कुछ नजर आने लगेगा? मैम इसके अंदर जो भी फैसिलिटी कंपनी ने कमिटमेंट किए हैं, हम बात करते हैं अपनी कमिटमेंट की, प्रॉमिस की बात करते हैं, रोड, सीवर, बिजली, पानी, पार्क, ये सब कुछ हम 2.5 साल के अंदर देने वाले हैं। तो सर आपका वेलकम करते हैं मार्केट रिव्यू ब्लॉग में। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी। जी मैं मोहम्मद सलीम आलम जी, INS बिल्टेक में एज अ GM वर्किंग हूँ जी, और मैं सारा सेल्स डिपार्टमेंट देखता हूँ। हाँ जी, सेल्स एंड मार्केटिंग। ओके जी, तो सबसे पहले आज हम आपके प्रोफाइल के बारे में जानते हैं कि आपकी कंपनी का एक्चुअल प्रोफाइल क्या है। मैम हमारी कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है 2015 के रजिस्ट्रेशन है। ओके, और हम लोगों ने करीब करीब 25 प्रोजेक्ट कर चुके हैं। राइट सर, 25 प्रोजेक्ट कर चुके हैं। कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, सिंगल ओनर कंपनी है, देयर इज नो आउटसाइडर पार्टनर। ओके, और ये एक बिल्डर फर्म है। राइट सर, यानी हम लोग कोई ब्रोकर्स नहीं है, एक बिल्डर फर्म है। ठीक है, और लगभग 400 एकड़ जमीन हम बेच चुके हैं। वाओ, पिछले 6-7 सालों में 400 एकड़ जमीन, लगभग 40,000 एग्जिस्टिंग कस्टमर है। सर आज जो है मैं यहाँ पर सुबह से जब भी आई हूँ, मैं प्रॉपर पूरा भीड़ और पूरी मतलब देख पा रही हूँ, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हमें नजर आ रही हैं, और यहाँ पर मतलब इतना ज्यादा क्राउड है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। मतलब बिल्कुल क्या है ऐसा इस प्रॉपर्टी में जो हमें खरीदना चाहिए? मैम ये प्रॉपर्टी आपको बता दूँ, ये सबसे अच्छी जो बात है कि ये आप कोई भी इन्वेस्टर के लिए मैटर करता है कि सामने बेच कौन रहा है। राइट सर, INS बिल्टेक एक दिल्ली NCR की ट्रस्ट वर्दी कंपनी बन चुकी है। ओके, यानी दिल्ली NCR में इससे बढ़िया कोई प्रॉपर्टी प्लॉट्स के मामले में इसका कोई सानी नहीं है। ऑलरेडी अफोर्डेबल रेट पे हम प्लॉट दे रहे हैं और 2.5 साल का EMI ऑप्शन पे इंटरेस्ट फ्री दे रहे हैं। ओके, इंटरेस्ट फ्री कोई भी नहीं देता मैम। और पक्की रजिस्ट्री के साथ? पक्की रजिस्ट्री, पक्का मोटेशन और 30% बुकिंग पे ही हम आपको कब्जा दे रहे हैं, जो कि कोई नहीं देता। 90% बिल्डर क्या करते हैं ना, वो एग्रीमेंट पे ही प्लॉट सेल करते हैं बिना कोई पैसा लगाए हुए। राइट सर, राइट, बिना कोई पैसा लगाए हुए किसानों के साथ सांठगांठ करके, दोस्ती करके वो प्लॉटिंग करने लगते हैं। हमारी कंपनी जो है INS बिल्टेक, सबसे पहले कंपनी को अपने नाम रजिस्ट्रेशन करा के फिर हम सेल आउट करते हैं। जी, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि कितना लीगल रहेगा ये हम लोगों के लिए? ये पूरी तरह से लीगल है, क्योंकि जमीन कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है, कंपनी के नाम रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी R जोन में रजिस्टर्ड है। ओके, रेसिडेंशियल प्लॉट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इसके अंदर कब्जा, रजिस्ट्री, मोटेशन सब कुछ है। ऑलरेडी ये गेटेड सोसाइटी के अंदर हम आपको सिर्फ लैंड नहीं दे रहे हैं, ऑलरेडी इसके अंदर रोड है, सीवर है, बिजली है, पानी, पार्क सब कुछ डेवलप करके दे रहे हैं जी। इसलिए पूरी तरह से ऑथेंटिक है, डॉक्यूमेंटेड है, ट्रांसपेरेंट कंपनी है, एक रेट है, फिक्स रेट है, कहीं कोई इसमें बार्गेनिंग नहीं है। ओके, किसी तरह का, जैसा कि देखा जाता है रियल एस्टेट में, जैसा गाल वैसा तमाचा, जैसा सामने वाला आता है वैसे हम किसी भी कस्टमर को उतार लो।
ऐसा हमारे यहाँ नहीं है जी, ठीक है ना जी। तो इस तरीके से हमारी कंपनी ट्रस्टवर्दी है और हमारी जो प्रॉपर्टी का जो लोकेशन है मैम वो वर्ल्ड क्लास है, एकदम चरस लोकेशन है। यहाँ पे 6 लेन हाईवे के ऊपर आपकी प्रॉपर्टी है, आप जो भी प्लॉट खरीदने जा रहे हैं वो 6 लेन हाईवे के ऊपर है। ऑलरेडी 6 लेन हाईवे की कैसी प्रॉपर्टी होती है या फ्यूचर में उसका रीसेल उसका वैल्यू क्या होगा आप सब जानते हो। प्रॉपर्टी कहीं भी ले लो वो रिटर्न तो देती है, बट अगर बेस्ट लोकेशन पे प्रॉपर्टी है, बेस्ट कनेक्टिविटी के साथ, बेस्ट गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्रॉपर्टी ली जाए तो उसकी बात ही अलग होती है। आपने बेस्ट कनेक्टिविटी की बात की, तो बेस्ट कनेक्टिविटी के लिए हमने सुना है कि जेवर एयरपोर्ट जो है उसका काम शुरू हो चुका है, 2024 में उसकी फर्स्ट फ्लाइट भी जाने वाली है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट के पास प्रॉपर्टी का होना ही सबसे बड़ी बात। मैम आपको बता दूं एयरपोर्ट सिर्फ नहीं आ रहा है, एयरपोर्ट के साथ साथ यहाँ पे DMIC ऑलरेडी बन चुका है 80%, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से ये हमारा प्रोजेक्ट लिंक है। ये दिल्ली जो ये जो अलीगढ़ पलवल हाईवे है इससे लिंक हो रहा है DMIC। DMIC इंडिया का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा नितिन गडकरी उस पर काम कर रहे हैं, 80% कंप्लीट हो गया। बॉम्बे अब 12 घंटे में सफर तय करोगे यहीं से, टप्पल से बॉम्बे अगर हमें जाना होगा बाय रोड सिर्फ 12 घंटे में, आज लगते हैं 22 घंटा। इसके साथ साथ पॉड टैक्सी टर्मिनल, बस टर्मिनल, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, रैपिड मेट्रो, ये सब कुछ आ रहा है। ऑलरेडी कनेक्टिविटी के लिहाज से जबरदस्त लोकेशन है, यमुना एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर रहा है, मथुरा को कनेक्ट कर रहा है, अलीगढ़ को कनेक्ट कर रहा है, न्यू दिल्ली को कनेक्ट, ये एक सेंट्रलाइज लोकेशन है मैम, यहाँ से सारा 1 घंटे के रास्ते पे। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी ये इंडियंस के लिए ही मतलब रहेगा या NRI भाई भी जो है इसका फायदा उठा सकते हैं? ये जितने भी हमारे इंडियन बायर्स इन्वेस्टर हैं चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने में है वो सारे लोग हमारी प्रॉपर्टी को ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी कंपनी के जो बिकने का कारण ही है लीगलिटी है, अफोर्डेबल रेट्स है, पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी है, बेस्ट लोकेशन है, ये सारी चीजों की वजह से ये प्रॉपर्टी इतना ज्यादा रश हो रहा है, यहाँ पे भीड़ हो रहा है। बिल्कुल मैं देख पा रही हूँ कि भीड़ की तो खैर कोई कमी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि इतनी भीड़ आप एक साथ देख पा रहे हैं, और गाड़ियों का देखिए आप पूरा उमर मतलब एक नजारा ही अलग है सर, ये नजारा बेहद उसे कहेंगे रोमांचक नजारा जिसे कहा जाता है। अब यहाँ मैं देख पा रही हूँ अगर आपकी साइट पे किसी को विजिट करना है तो अगर वो आ नहीं सकता तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे, आना जाना कुछ दे रहे हैं सर आप? ऐसा है कोई भी बायर इन्वेस्टर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जो भी नंबर्स आपको फ्लैश मिलेगा आपको उस पे स्क्रीन के ऊपर वो आप उस पे कॉल करें, हमारे मैनेजर्स के नंबर होते हैं, ठीक है, कंपनी के नंबर्स होते हैं, उस पर आप कॉल करके गाड़ी बुक कर सकते हैं और कंपनी आपको पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है पूरे दिल्ली NCR में, कहीं से भी आप विजिट सर, करना चाहते हैं। यहाँ बड़ी प्यारी प्यारी खुशबू भी आ रही है, तो क्या लंच भी देने वाले हैं? बिल्कुल, कंपनी जो है संडे के अंदर लंच भी प्रोवाइड कराती है क्योंकि हमारे इन्वेस्टर लोग 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर से जब दूर से आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हरासमेंट या भूख की एक वो आ जाती है। राइट सर, तो चलिए आपने इन सभी बातों का ध्यान रखा है। स्टे की बात कर लेते हैं, कितने समय के बाद जो है हमें यहाँ पर बिजली घर सब कुछ नजर आने लगेगा? मैम इसके अंदर जो भी फैसिलिटी कंपनी ने कमिटमेंट किए हैं, हम बात करते हैं अपनी कमिटमेंट की, प्रॉमिस की बात करते हैं, रोड, सीवर, बिजली, पानी, पार्क, ये सब कुछ हम 2.5 साल के अंदर देने वाले हैं। 30 महीना जो आपका EMI का पीरियड है 30 महीने, उसी पीरियड के अंदर हम ये सारी फैसिलिटी हम आपको डेवलप करके देंगे और यहाँ बहुत जल्द घर भी बनने लगेंगे, लोग रहने भी लगेंगे, क्योंकि ये एक वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट हो चुका है, ये अब कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं रहा, ड्रीम होम्स। तो मेरा आपसे एक आखिरी सवाल और है, अगर मुझे यहाँ पर अपना बुकिंग करना है तो कितने रुपए मात्र देकर मैं अपने बुकिंग करा सकती हूँ? मैम 2100 रुपये से हमारे यहाँ टोकन लगता है जी। अगर आप पैसा 30% आपके पास नहीं है आप अपने च्वाइस के प्लॉट 2100 रुपये में बुक कर सकते हैं और आपको कंपनी 6 दिन का टाइम देती है, 6 दिन के अंदर
आप 30% पैसा दे करके अपने प्लॉट, अपने सपनों का आशियाना पूरा कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी लेना है तो प्लॉट 6 दिन के बाद ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, आपका पैसा 2100 रुपया वो रिफंड हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और मेरे को भी उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स के सभी क्वेश्चन मुझे लगता है लगभग कम्प्लीट हो चुके हैं। और अगर आप भी साइट पर आना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम है। और सर एक क्वेश्चन और मैं आपसे, संडे ही हम विजिट कर सकते हैं, संडे के अलावा भी आ सकते हैं? 7 डेज विजिट है मैम, 7 डेज, बट संडे में आपको थोड़ा सा अच्छी एनवायरनमेंट मिलती है, अलग ही नज़ारा मिलता है, लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है। लोगों की छुट्टियां होती है ना संडे में, तो लोग ज्यादा आ जाते हैं। चलिए सर, लेकिन नॉर्मल डे में भी आपको गाड़ी की फैसिलिटी कंपनी दे रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।